हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिन याशी। एंड गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो एंड आपको हमारे वीडियोस भी बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड अगर आपको वो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज उन्हें लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और बाकी रिलेटिव्स के साथ भी इसे सेंड कर देना, ताकि वो भी हमारी वीडियोस देख के खूब हंसे। तो गाइस, आज इस की वीडियो में मैं आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी मम्मी के बनाए गए लहसुन या पनीर की रेसिपी। ये जो पूरी डिश है ये मेरी मम्मी ने बनाई है एंड मैं आज आपको उसकी रेसिपी सेंड शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर आपकी मम्मी को भी अच्छा लगे तो आप उन्हें ये सेंड करके बोल सकते हो कि आप भी ये बनाओ। और ये जो टेस्ट है इसका, ये बहुत अच्छा है, ये हर बच्चे को पसंद आएगा, इवन बड़ों को भी अच्छा लगेगा। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अच्छी डिश है एंड ये बहुत ईजी भी है बनानी। तो चलो वीडियो। एक टमाटर, 3 प्याज, गार्लिक और कैश्यू नट, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच और घी, 1 छोटा पीस दालचीनी, 2 लौंग और 1 काली मिर्च डालनी है और फिर उसे 5 सेकंड के लिए फ्राई कर देना है। थोड़ा सा जीरा डालना है, फिर वापस फ्राई करना है। उसके बाद कटे हुए प्याज डालने हैं, उसे फ्राई कर देना है। फिर गार्लिक ऐड करनी है, फिर जिंजर, फिर उसे फ्राई करना है। फिर हमारे काजू ऐड करने हैं, कटे हुए टमाटर, और फिर उसे फ्राई कर देना है। 1 चम्मच हमें नमक डालना है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच धनिया डालना है। फिर उसे वापस मिक्स करना है। 1 बड़ा चम्मच दही और फिर मिक्स। गाइस देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है और टेस्टी भी दिख रहा है। मिक्स। फिर 1 कप पानी, फिर वापस मिक्स करना है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर वापस मिक्स करना है। उसे ठंडा होने देना है, फिर उसे प्लेट में निकालना है। ये देखो गाइस, फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालना है, थोड़े से गार्लिक डालने हैं और ये देखो हमारा पेस्ट। फिर पनीर बाहर लाना है, पनीर को कट कर लेना है, कुछ इस तरह से उसे अच्छी तरीके से कट कर देना है। फिर उसे एक प्लेट में निकाल देना, सारे पनीर जो हमने काटे वो एक प्लेट में डाल देना है। थोड़ा सा नमक डालना है, फिर मिक्स करना है, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी सी ऑयल मतलब घी, फिर मिक्स। फिर 3 टेबलस्पून ऑयल के और अब हमारे पनीर को हमें फ्राई करना है। सारे पनीर को अच्छी तरीके से अंदर रखना है और अब ये फ्राई हो रहे हैं, ऐसे करके पलटना है ताकि वो एक जगह से काले ना हो जाए, जल ना जाए, इसलिए पलटते रहना है। ये देखो गाइस कितने अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं। फिर उन्हें बाहर डालना है, एक प्लेट में निकालना है। ये देखो गाइस हमारे सामने पनीर कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे ग्रेवी में डालना है। जब हमारे पनीर तल रहे थे ना तो वो जो ऑयल बचा था उसे ग्रेवी में डालना है और मिक्स कर देना है। फिर कुछ गार्लिक मतलब लहसुन लेने और उन्हें काट देना है। थोड़ी सी मिंट मतलब पुदीना लेनी है और इसे अच्छी तरीके से स्मच कर लेना है। और फिर जो हमारी ग्रेवी है उसे फ्राई करना है और अब थोड़ा तड़का लगाना है, इसलिए घी और उस पर थोड़ी गार्लिक, वो कटी हुई गार्लिक डालनी है, उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फिर जो हमारी मिर्च थी उसे डालना है ग्रेवी में, ग्रेवी को एक बाउल में निकालना है। फिर जो पनीर है, पनीर को उस ग्रेवी में डालना है, थोड़े से रोस्टेड गार्लिक को भून के डाल देना है अंदर और फिर मिंट हमें डालनी है। और ये जो डिश है ये मेरी मम्मी के द्वारा बनाई गई है और एडिटिंग मैंने की है और इस डिश का नाम है लहसुन या पनीर।